छतरपुर के मेला जल विहार में इन दिनों खिलौने बेचने वाले काफी निराश देखे जा रहे हैं। दरअसल उनका कहना है कि वे काफी दिनों से यहां पर दुकान लगाए हुए हैं, लेकिन खिलौनों की बिक्री काफी कम हो रही है, जिससे कि रोजाना के रहने का खर्च निकालना भी मुश्किल साबित हो रहा है। उनका कहना है कि वे एक दो दिन में ही अपनी दुकानें यहां से समेट लेंगे और वापस अपने घर चले जाएंगे। गौरतलब है कि मेला शुरू होने के पहले ही मेले के दरवाजे से खिलौने बेचने वालों की दुकानें शुरू हो जाती हैं। हालांकि ये फुटपाथ पर ही अपने छोटे से एरिया में अपनी सामग्री लकड़ी के फ्रेम के सहारे टांग कर बेचते हुए नजर आते हैं, जिनमें बच्चों के लिए खिलौने और मुखौटे, मास्क आदि बेचे जा रहे हैं। लेकिन इन दुकानदारों का दर्द ये है कि इतनी भीड़ होने के बावजूद उनके मास्क और बच्चों के खिलौने नहीं बिक रहे, जबकि बाजार भाव से काफी सस्ते दाम पर ये खिलौने यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। आइए देखते हैं विनोद मिश्रा की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के मेला जल विहार में, जहाँ पर मेला जल विहार को लेकर आज छतरपुर से ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी, अन्य जगहों से भी यहाँ पर लोग मेले जल विहार का आनंद लेने के लिए लोग आते हैं। लेकिन मेला जल विहार में जैसे ही लोग प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपना बचपन भी याद आता है। जैसे कि ये तस्वीरें हमारे जो कैमरामैन सहयोगी हैं प्रहलाद, उनसे कहेंगे, ये देखें आप किस प्रकार से बच्चों के लिए मास्क और बजाने वाला और ये साइकिल चलाने वाला, और ये पहले लकड़ी का हुआ करता था, अब ये चाइना का आइटम है और ये प्लास्टिक से बना हुआ है। और ये देखें आप किस तरह से यहाँ पर लगातार, ये तस्वीरें आप छतरपुर के मेला जल विहार से देख रहे हैं। हमारे साथ जो बेचने वाले व्यक्ति हैं उनसे भी हम बात करेंगे। दादा क्या नाम है, कहाँ के हैं आप? मुरारी आदिवासी है, अपन जिला शिवपुरी के हैं। अच्छा, कितने लोगों का परिवार है आप लोगों का? हमारे घर घर का, दो लड़की हैं, दो दामाद हैं, हमारी घरवाली डुकरिया भी है। सभी लोग यही करते हैं? यही करते हैं, कुछ काम धंधा भी मिल जाता है तो कर लेते हैं कभी कभी, पर यहाँ आते तो कुछ नहीं। लगभग एक दिन में कितने का सामान बेच देते हैं? कुछ नहीं, 300-400 रुपए का, कुछ कोई बिक्री नहीं है। हम कल चले जाएंगे, बिक्री नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल। ये क्षेत्र ही अच्छा ठीक है, पर हमारे जिला शिवपुरी के बराबर नहीं है, इतनी बिक्री नहीं हो पा रही है यहाँ। हाँ, आपको टैक्स लगता है? कितना टैक्स देते हैं आप एक दिन का? यहाँ का 20 रुपए लेते हैं डेली। अच्छा, नगर पालिका टैक्स लेती है। भैया आप कहाँ के? राजस्थान। राजस्थान से? आप भी यही करते हैं? यही करते हैं। कितना क्या पैसा कमा लेते हैं प्रतिदिन? धंधा पानी नहीं है, 100-200 रुपए कमाते हैं, तो वैसे खर्चे पानी बराबर हो जाता है। कितने लोगों का परिवार है आपका? आप लोग तो माँ है, भाई है, बहन है, बच्चा बच्ची है। अभी ज्यादा मेला चल नहीं रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा है। देखो गुब्बारे लेके बैठा हूँ उधर, देखो कुछ भी धंधा पानी नहीं है। जैसे कि जो ऑनलाइन सामग्री मिलती है, ऑनलाइन ये खिलौने मिलते हैं और मार्केट काफी बड़ा हो गया है, तो इन सब चीजों का क्या असर कुछ है? कुछ भी नहीं है सर। असर है जब तो लोग लेने नहीं आ रहे, इतना नहीं है। ऑनलाइन तेज मिलता है, उससे कहीं ज्यादा कम है ये, फिर भी आदमी की बिक्री नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। इसका रेट कम है ऑनलाइन से? हाँ, ऑनलाइन से रेट कम है। चलिए हमारे साथ ये सहयोगी, इनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे, भैया ये मास्क कितने का है? ये हम लोगों ने 50 रुपए का लगा रखे, वैसे इसको 40 का दे देते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये खिलौने? हाँ, ये बच्चों के खिलौने हैं। ये कितने का लगभग देते हैं? 40 रुपए का है। 40 रुपए का है। मार्केट में जो 70-80 रुपए का मिलता है, 40 रुपए में दे रहे? बिल्कुल, फिर भी सर बिक्री नहीं है यहाँ पे। और ये? ये जो है ये 45 रुपए का पीस है। बताओ मार्केट में जाओ तो 100 रुपए समथिंग का सामान, 100 रुपए समथिंग का सामान मिल जाता है। और ये कार? ये कार सर 100 रुपए की है, 100 रुपए में दिख जाती है। और ये बच्चों के खिलौने? ये 40-50 रुपए के है समथिंग। क्या बोलते इसको? इसके ये डॉग बोलते हैं, ये डॉग हो गया। नहीं नहीं, काय से बनता है ये? पॉलिथीन मटेरियल है अपना। हाँ, बॉल वगैरह? ये बॉल वगैरह 30-30 रुपए की दे देते, लेकिन बिक्री नहीं है सर यहाँ पर बिल्कुल भी। मेला जल विहार में प्रवेश के दौरान ही आप लोगों ने बहुत अच्छे से सजावट की है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप, कितने लोगों के आप लोग ये सजावट की? हम इस मेले के, मेला की कोई बुराई नहीं करेंगे, जो धंधा नहीं है तो नहीं है धंधा, पर हम नहीं, बुराई इसका कोई बुरा सोच नहीं करेंगे हम, नहीं हुआ धंधा नहीं हुआ, क्यों साहब? तो देख रहे हैं आपके ये जो मेला जल विहार की जो रौनक है, बच्चों के खेल खिलौने से ही ये रौनक
देखने को मिलती है। और हम आपको यह बता दें कि ये जो मार्केट में सामान मिलता है 100 रुपए का जो सामान मिलता है या 40-50 रुपए का भी सामान मिलता है, लेकिन इनका कहना है कि लोग अभी कम मेले में रुझान है, लोग झूला झूलने के लिए आते हैं, बच्चों को लेकर के यहाँ पर आते हैं, लेकिन वो हम लोग की मार्केटिंग जो होनी चाहिए, जो सेल हम लोग का सामान होना चाहिए, वह सेल नहीं हो रहा है। और हालांकि अभी धनतेरस और दीपावली का जो पर्व है उस दौरान यहाँ पर दुकानदारी अधिक होती है, लोग निराश ना हो। और जो शहर के लोगों से हमारा कहना है कि जो प्राचीन धरोहर है मेला जल विहार, जो लगभग कई वर्षों से मेला जल विहार को देखने को लेकर लोग यहाँ आते हैं, जब मनोरंजन के कोई साधन नहीं हुआ करते थे, चाहे वो सोशल मीडिया का दौर हो या अन्य ऐसे गेम्स हो, जब बच्चे इसी से अपने बचपन को बिताया करते थे और खेला करते थे। ये देखें आप, ये तरह तरह के यहाँ बच्चों के खेलने के लिए सामान है। और ये मुकुट है जो मुकुट है जो बच्चे स्कूल में भी पहना करते हैं। और ये देखें आप, लगातार ये पूरी तस्वीरें हैं छतरपुर के मेला जल विहार से। ये इन लोगों ने विधिवत, एक ही परिवार के कुछ लोग हैं और अलग अलग जगह के भी हैं, राजस्थान से भी लोग हैं और कानपुर से भी लोग हैं और ऐसे कई लोग हैं, जिला शिवपुरी से भी हैं, यानी कि दूर दराज से भी लोग यहाँ पर मेला जल विहार में अपनी दुकानों को लगाते हैं और बड़ी आशाओं के साथ यहाँ पर आते हैं। और मेला जल विहार जो कि पुराने वर्षों से चला हुआ आ रहा मेला है, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रतिदिन आयोजित किए जाते हैं। और ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक समय ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पर लोग समाते नहीं थे और सिटी जो कि संभाग की ओर अग्रसर है, लोगों की संख्या अधिक हो गई है, इसके बावजूद भी यदि देखा जाए तो लोग मेला में कम आ रहे हैं, ऐसा इन लोगों का भी कहना है। छतरपुर से पेपर टाइम के लिए प्रहलाद पटेल के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।